अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राना आतिक और वेलकम करता हूँ आपको अपने गार्डनिंग चैनल पे। और उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं कुछ न्यू टिप्स के हवाले से नहीं बात करूँगा, बल्कि मैं ओवरव्यू देने जा रहा हूँ कि बारिश के सीज़न में मेरे प्लांट की प्रोग्रेस किस तरह की चल रही है। यही लोकेशन थी एग्जैक्टली, जून का पहला वीक था, मैं पंजाब से रिटर्न हुआ था और मेरे तमाम के तमाम प्लांट्स बहुत बदतरीन हालत में थे। और ये जो आप देख रहे हैं मालाबार स्पिनच, गेंदा, भिंडी, तुरई, बैंगन पहले का लगा हुआ था, ये मैंने जून के फर्स्ट वीक में ये सीड सो करे थे। और आप देख रहे हैं आज तकरीबन 60-65 दिन का दौरानिया हुआ है और ये प्लांट, इनकी कंडीशन माशाल्लाह लश ग्रीन सिचुएशन में है। ये आप देख लें, ये मैंने ड्रैगन फ्रूट लगाया था पहले, इसकी वीडियो भी अपलोडेड है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक ऐड कर दूँ। वॉक करने की जगह भी दरमियान में छोड़ी है। और ये मालाबार स्पिनच के लिए एक ट्रेली सी बनाई इनिशियल, अभी इसमें और स्टिक्स ऐड होंगी, एक बकेट ये बाद में पीछे ऐड किए तुरई की। एक महीना थोड़ी मेहनत हुई और बाकी कुदरत ने सपोर्ट की, माशाल्लाह रेगुलर बेसिस पे शावर मिल रहा है। ये ट्रेली इस पे 3-4 6 लगा के मैंने जो है ना राउंड 0.8 mm वाली वायर वो क्रॉस की थी और अब माशाल्लाह से ये इतना बेहतरीन बुशी हो गया है। और ये देख लें आप, ये मैं क्लोज़अप करके आपको शो कर रहा हूँ, ये हैं कॉर्न्स भुट्टे और ये गार्डनर हैं, उनसे तोहफ़तन सीड्स मिले थे। ये कलरफुल हैं और इस वक्त ये प्लांट्स जो हैं मेरी हाइट से भी ऊपर जा चुके हैं, यानी कि प्लांट की हाइट जो है वो अराउंड 7 feet के आसपास है। ये रेड ओकरा के प्लांट्स और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 रेज बेड लगे हुए हैं यहाँ पे। ये वाइट प्रिंजल एग प्लांट यानी कि राउंड शेप वाले, ये दो इसमें लगे हुए हैं। यहाँ पहले सैलड वगैरह होते थे, ये शायद शुरू के 2-4 अच्छे से ना बन पाएँ, ठीक है तो इनको रिमूव कर देंगे, लेकिन अच्छे खासी फ्लावरिंग हो रही है, मानसून का सीज़न ऑन है। बस ये देखें, इस पर ये हल्का फुल्का मिली बग भी आपको विजिबल दिख रहा होगा, इसको हटा दिया हाथ से। तो जी खुराक में इनको क्या दिया है, पहले 2 रेज बेड में तो मेरे अच्छे खासा जो ऑर्गेनिक मैटर है, तीसरे वाले में सॉइल ज़्यादा थी तो मैंने NPK DAP बिल्कुल इस्तेमाल की है। और अब क्योंकि ये फ्रूटिंग स्टेज पे हैं तो मैं इनमें पोटैश इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, एज़ पर सजेस्टेड बाय द सीनियर 10 ग्राम पर स्क्वायर मीटर। ये स्टीविया के कुछ प्लांट्स खामिस भाई के हैं, शिफ्टिंग के बाद मैं इधर अपने पास ले आया। ये आप मिंट देख लें, रेज बेड में लगा हुआ है और माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा समर यहाँ अच्छे से इन्होंने थ्राइव किया है, रमज़ान यहाँ गुजारे हैं और हम रेगुलर इससे हार्वेस्ट लेते हैं। ये मेरा बाथ टब है, इसको थोड़ा सा मैंने रीशेप किया है इस प्लांट को, जो कि हार सिंगार भी कहा जाता है, और इसमें बहुत ही प्यारे फूल लगते हैं और खुशबू भी है। ये गमले हैं पोटोलाका वगैरह के, इसमें हाइब्रिड हैं जो पंजाब में ग्रो किए थे, कटिंग्स ले आया था, माशाल्लाह फ्लावरिंग पे हैं। पीछे मेरे पास पुराने देसी रखे हुए हैं, ये छुई मुई का पौधा है, कोलियस, स्वीट पोटैटो वाइन। तो ये तमाम के तमाम पौधे आप देख लें और मैं आपको पिछली वीडियो का लिंक दूंगा कि ये किस हालत में यहाँ मौजूद थे। एक छोटी सी अनाउंसमेंट, 13 अगस्त को एक इवेंट हो रहा है, ग्रो ग्रीन PK ने एक पार्क अडॉप्ट किया, ख़ास करके उसकी जो एडमिन है वो उसको देख रही हैं, मुनीजा सैयद साकिब। तो जो मेरे दोस्त नॉर्थ नाजमाबाद से हैं, FB एरिया में पार्क मौजूद है, 13 में इवेंट में पार्टिसिपेट करें। और ये सेक्शन में जो आपने प्लांट्स देखे, ये तमाम के तमाम प्लांट आपको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे अल्लाह ने के बान।